देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया जेई मेंस में। तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी इन निगेटिव जेड एक्सिस। निगेटिव जेड एक्सिस अगर तुम बनाओगे तो यहाँ पर इस देखो, ये पॉजिटिव एक्स है और ये पॉजिटिव वाई है और निगेटिव जेड मैं बोर्ड के अंदर लेता हूँ तो ये निगेटिव जेड मतलब बोर्ड के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जा रही है। ठीक है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या डायरेक्शन प्रोपोगेशन है वो माइनस के वेक्टर है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो पॉइंटिंग वेक्टर देता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो इक्वेशन है, आई होप कि आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या डायरेक्शन ऑफ वेव इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू नॉट और ये आता है ई क्रॉस बी। हम सबको पता है कि तीन वेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या वेव है, बात बराबर है। तो अगर ये एस वेक्टर है वो माइनस के है, पहले से हमें पता है। ठीक है, एस वेक्टर माइनस के है और वन अपॉन म्यू नॉट रहेगा वेक्टर फॉर्म में अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो इसको ये वाली जो है एस जो वेक्टर है वो डायरेक्शन यहाँ से तुम देखोगे तो ई क्रॉस बी, ई का डायरेक्शन पूछ रहा, बी भी दिया हुआ भाई। इलेक्ट्रिक, हाँ, एट सर्टेन पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेव बिलोंग व्हाट यू, हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले से पता है किधर है, अलॉन्ग पॉजिटिव आई एक्सिस। ठीक ना, पॉजिटिव जेकर। तो अब देखो, राइट हैंड थंब रूल यूज करो तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी है या तो वो निगेटिव निगेटिव जेड सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, समझ रहे हो ना, या तो वो निगेटिव आई कैप में आएगा या तो वो पॉजिटिव आई कैप में आएगा। ठीक है, क्योंकि जे के एलॉन्ग और के एलॉन्ग इलेक्ट्रिक और वेक्टर हो चुका भाई, इलेक्ट्रिक वेक्टर जे के एलॉन्ग है और मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ फ्लो के एलॉन्ग है। तो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो यहाँ जो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा या तो वो प्लस आई में जाएगा या तो माइनस आई में जाएगा। मतलब ये हुआ, ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता 50-50, या तो ये सही है या तो ये सही है। बात समझ में आ गया? तो देखो यहाँ से तुम देखोगे तो अब राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर दो, राइट हैंड कर्ल रूल यूज कर दो, दाहिने हाथ को घुमाओ किधर, किस साइड, ई से बी की साइड घुमाओ। तो ई से बी की साइड घुमाओगे तो ई वेक्टर किधर है यार, तो ई वेक्टर प्लस इधर है ऊपर, प्लस जे कैप में है। तो ई वेक्टर को अगर तुम घुमाओगे, ई क्रॉस बी करोगे, तो ई क्रॉस बी मतलब अगर इस साइड घुमाओगे ई क्रॉस बी, हाँ देखो, ई क्रॉस बी करो तो ई क्रॉस बी करोगे यहाँ से तो निगेटिव एक्सिस में आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो कि सही है। अगर इस साइड करोगे ई क्रॉस बी तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये वाला जो वेक्टर है वो प्लस के कैप में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम यहाँ से ई क्रॉस बी करते हैं, ई क्रॉस बी तो ये आता है पॉजिटिव, हाँ ई क्रॉस बी करेंगे तो यह आ जाएगा निगेटिव के कैप में आएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लस आई में ही जाएगा। नहीं आया समझ में? तो प्लस आई मतलब बी ऑप्शन सही है, गलत है? नहीं आया तो वेक्टर यूज कर दो ना, तो वेक्टर यूज कर दो तो ये के कैप है और वन अपॉन म्यू नॉट और यहाँ से जे क्रॉस आई होगा तभी तो माइनस के होगा मेरे भाई, जे क्रॉस आई होगा तभी तो माइनस के होगा। वेक्टर वेक्टर में लिखा हूँ, सब यूनिट वेक्टर ले लिया हूँ यूनिट मैग्नीट्यूड का, तो जे क्रॉस आई ही तो माइनस के कैप होगा, तो प्लस आई होगी तभी तो बात बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप कि आपको दोनों तरह से समझा दिया हूँ, समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।